राम राम बच्चों। देखिए बच्चों, आपको मैं आज जो लेसन पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपका लेसन नंबर 9 संज्ञा। अभी आप सोचोगे कि मैं चैप्टर 9 क्यों पढ़ा रही हूँ, लेकिन बच्चों ये आपका पीरियोडिक में आने वाला चैप्टर है, इसलिए मैं आपको पहले ये वाला चैप्टर करा रही हूँ। तो आपको इसको ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि आपका ये पीरियोडिक यानी PT1 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपका ये चैप्टर आने वाला है, तो इसलिए आपको ये ध्यान से सुनना और समझना है। देखो संज्ञा, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा है, संज्ञा किसे कहते हैं ये बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ये सबसे इजी चैप्टर है आपका संज्ञा, ये आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो। देखो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप इसको ये भी बता सकते हो, किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा कि आपको मैंने 5th क्लास में बताया था, किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर है आपका, जैसे इन वाक्यों में हमें भिन्न प्रकार के व्यक्तियों वस्तुओं आदि के नाम मिलते हैं। वस्तुओं के नाम आम, गेंद, प्राणियों के नाम श्वेता, बच्चे, अर्चना, गुणों व भाव के नाम सुगंध, मिठास, स्थानों के नाम मैदान, मंदिर, ये सभी क्या हैं, संज्ञा। क्या हैं ये, संज्ञा। तो अब हम आते हैं, ये तो आपको पता ही है संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर है आपका संज्ञा की भेद, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राकेश रोज रामचरितमानस पढ़ता है, सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की थी, मैं कल लाल किला देखने गया था। तो यहाँ पर किसी विशेष चीज़ का नाम लिया जा रहा है, जैसे राकेश, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है राकेश। हम सबको राकेश तो नहीं कह सकते ना, राकेश किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम होता है, पर्सनल होता है किसी का नाम। ऐसे ही सूरदास जी सूर सागर, अब सूरदास जी भी क्या है, सबका नाम सूरदास जी नहीं है, और सूर सागर केवल एक ही ग्रंथ का नाम है, सभी बुक का नाम हमारा सूर सागर नहीं कह सकते। ऐसे ही मैं लाल किला देखने गया था, तो लाल किला जो है किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, सारी जगह के लिए हम लाल किला नहीं बोल सकते। तो ऐसी ये शब्द क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का के नाम का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी वस्तु स्थान या पदार्थ का बोध हो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया कि हम किसी विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष स्थान के लिए जब हम किसी नाम का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आती है हमारी सेकंड नंबर पे जातिवाचक संज्ञा। देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल दिए हैं, मेरे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है, मेरे उस कमरे में मेज कुर्सी पलंग आलमारी पुस्तकें आदि बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। पहले वाक्य में आए विद्यालय तथा विद्यार्थियों शब्द विशेष व्यक्तियों का बारे में उनकी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार नीचे दोनों वाक्यों में आए कुर्सी पलंग आलमारी
पुस्तकें, बच्चे तथा की शब्द विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम का बोध न कराकर अपनी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष पदार्थ, विशेष स्थान का नाम लिया जाता है, लेकिन जातिवाचक में क्या होता है, एक ही जाति के सभी प्राणी, एक जाति के सभी वस्तुएं, एक जाति की सभी पदार्थ, एक जाति की सभी चीज़ों, सभी जगह का नाम होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कल शहर जाएंगे, अब कौन से शहर जाएंगे ये नहीं मालूम, किसी भी शहर, हमने किसी शहर का नाम नहीं लिया। अगर हम शहर का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन जब हम खाली शहर कह रहे हैं तो शहर क्या है, केवल कोई भी हो सकता है, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी कोई भी हो सकता, मैं, हम, आप सब, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। और जब हम किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। लेकिन जब हम उसे बच्चा कहेंगे, किसी बच्चे को बुलाओ, तो बच्चा क्या है, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय कोई सा भी विद्यालय हो सकता है, तो वो जातिवाचक, मतलब उस शब्द से संपूर्ण विद्यालयों का की हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया, जिस शब्द से किसी भी वर्ग या जाति कि सभी पदार्थ, सभी वस्तु, सभी प्राणियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब आता है आपका नंबर थर्ड, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बगीचे में हरियाली सबका मन मोह लेती है। अब हरियाली जो है उसको हम क्या, उसका एक फीलिंग सा है, लेकिन हम उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, कर सकते हो नहीं ना, तो वो क्या है, एक भाव है। ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। अब सुंदरता, सुंदरता शब्द जो है कि हम उसको कैसे प्रकट करें, सुंदरता वो हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते कि कैसे उसको दूसरे तक समझाएं, दिखाएं, तो वो क्या, सुंदरता एक महसूस करने की चीज़ है। ऐसे उसकी बोली में मिठास है। अब मिठास को कैसे हम प्रदर्शित करें, वो तो एक भाव है। तो ये सब वाक्य क्या है, ये सब शब्द क्या हैं, भाव, तो ये कहलाती है हमारी भाववाचक संज्ञा। उपयुक्त पंक्तियों में हरियाली, मिठास और सुंदरता, गुण, स्थिति, भाव या दशा आदि को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या किसी स्थान, किसी वस्तु आदि का हम क्या कहते हैं, उसके गुण, दशा, दोष इत्यादि के बारे में हम उसे, जैसे किसी वस्तु की हम सुंदरता के बारे में बताते हैं, किसी स्थान की सुंदरता या कि उसकी कोई विशेषता के बारे में बताते हैं, तो उसके गुणों के बारे में बताते हैं, उसके कोई दोष बताते हैं, तो वो सारे शब्द किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की है। संज्ञा तीन प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। फिर आते हैं हम, देखो जातिवाचक संज्ञा को हम बदल भी सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाएं हम कई बार
जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा से, कि सार्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, इनसे हम भाववाचक में बदल सकते हैं इन शब्दों को। देखो अभिनेता, अभिनेता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अभिनेता यानी एक्टर जो होता है उसे क्या कहते हैं? अभिनेता। तो उसकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? अभिनय। अभिनेता अभिनय करता है, तो अभिनय क्या है? उसका जो कार्य करने का तरीका, जो किरदार निभा रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? अभिनय। तो अभिनय क्या बन गई? भाववाचक। जैसा कवि, कवि तो सभी जानते हो, कवि लिखता है, राइटर होता है कवि, तो उसे कवि से हम क्या बना देते हैं? कवित्व। तो वो भाववाचक। दास से दासता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, बच्चा से बचपन, मूर्ख से मूर्खता। ऐसे सर्वनाम शब्दों से क्या बनाएंगे? जैसे अपना, आप, निज, ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है? तो अपना, अपनत्व या अपनापन, आप से आपा, निज से निजित्व, स्व से स्वत्व, पराया, परायापन, सर्व से सर्वस्व। इस प्रकार से हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा, अच्छा से अच्छाई, आलसी से आलस्य, क्रोध से क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब रूठना, क्रुद्ध से क्रोध, लघु से लघुता, वाचाल से वाचालता, स्वस्थ से स्वास्थ्य। फिर है क्रिया से, क्रिया खेलना, चढ़ना, लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्रिया है, तो इनसे खेलना खेल, चढ़ना चढ़ाई, रोना रुलाई, सोचना सोच। इस तरह से हम क्रिया से भी भाववाचक बना सकते हैं। अव्यय, अव्यय से क्या कैसे बनाएंगे? जैसे निकट, शीघ्र, दूर, माना, अंदर, बाहर, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, मना से मनाई, इस तरह से हम अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए मूल रूप से संज्ञा तीन प्रकार की ही मानी गई है, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। लेकिन कुछ विद्वान क्या है, हिंदी भाषा में कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर संज्ञा के केवल दो भेद मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कुछ जो अंग्रेजी से संबंधित कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि संज्ञा दो प्रकार की, वैसे मूल तरह से संज्ञा केवल तीन प्रकार की ही मानी जाती है। लेकिन कुछ विद्वान क्या, अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर, जो इंग्लिश ग्रामर है उससे इफेक्टिव होकर क्या बताते हैं कि संज्ञा दो प्रकार की है। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा इन्होंने और जोड़ दिया है इसमें। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? दो और भेद, यानी कुल मिला के पाँच भेद मानते हैं ये। तीन ये तो कॉमन है ही, लेकिन दो भेद उन्होंने और माने हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सेना दिन भर दिन सोना दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। किसान गेहूं पैदा करता है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है। तो यहाँ पे सोना, गेहूं, पेट्रोल, ये क्या है? द्रव्य, किस नाप तोल की चीज़ें हैं, द्रव्यवाचक हैं। तो ये इन्होंने द्रव्यवाचक संज्ञा में इनको माना है। जैसे देखो उपयुक्त वाक्यों में आए सोना, गेहूं तथा पेट्रोल शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध करा रहे हैं, अतः इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा हुई? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो नंबर पाँच इन्होंने क्या माना है? समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चाबियों का गुच्छा मेज पर है। बकरियों का झुंड खेत में घुस गया। हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं। उपयुक्त वाक्य में आए गुच्छा, झुंड तथा कक्षा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, अतः ये समुदायवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक
या समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी समूह का ग्रुप का जो बोध होता है वो क्या कहलाती है, समुदायवाचक संज्ञा। अब आपका इसमें मेन पार्ट आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में परि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसका कभी कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। लेकिन कैसे, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उस व्यक्ति के गुण दोषों वाले संपूर्ण व्यक्ति का दोष बोध कराती है। यानी हम किसी के जैसे कहावत के रूप में हम लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे हम उसको उसके सम गुण दोषों के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति को उससे तुलना कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। अब क्या है, हमने हरिश्चंद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर जो हरिश्चंद प्रयोग हुआ है वो एक बहुत से लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर वो क्या हरिश्चंद्रों जो शब्द है वो जातिवाचक में प्रयोग होगा। ऐसे हरिश्चंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी या सत्य और निष्ठा युक्त गुण वाले संपूर्ण व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमने हरिश्चंद की तुलना उन सभी लोगों से कर दी है जो सत्यनिष्ठ हैं, तो वहाँ पर हरिश्चंद व्यक्तिवाचक ना रहकर बल्कि वो जातिवाचक बन गया है। ऐसे हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। अब जयचंदों साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी विश्वासघात गुण वाले संपूर्ण व्यक्तियों का बोध कराता है। यानी जयचंद ने विश्वासघात किया था, तो इसलिए जहाँ पर विश्वासघात होता है तो वहाँ पर हम जयचंद का प्रयोग कर लेते हैं, तो उस विश्वासघात वाले गुण वाले संपूर्ण व्यक्तियों का बोध कराते हैं, तो वो जयचंद क्या बन गया यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आपका दूसरा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। पहले तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाई थी, अब हम जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं। देखो कैसे, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है, अब कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द जो है किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर वो जातिवाचक न रहकर केवल व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। अब देखो यहाँ पर पंडित जी एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए, पंडित का मतलब तो जातिवाचक में आता है, किसी कोई भी पंडित हो सकता है, किसी को भी हम पंडित बता सकते हैं कि वो पंडित ऐसे हैं या पंडित ऐसा है, ये ऐसा बोल सकते हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर जो पंडित जी का नाम बोला गया, तो ये पंडित जी हम किसे बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पर ये पंडित जी जो शब्द है वो जातिवाचक ना रहकर बल्कि व्यक्तिवाचक बन गया है। समझ में आ गया। फिर है दूसरा, बापू ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। अब बापू, तो बापू कहते ना बापू जी आए, तो कोई भी बूढ़ा आदमी जब हमारे घर में आता है तो हम बोले बापू जी आइए आइए बैठिए, इस तरह से हम बापू जी किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर बापू ने देश के लिए अपना तन मन, बापू किसके लिए बोला गया है, महात्मा गांधी के लिए। यहाँ पर जो बापू शब्द है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, महात्मा गांधी का, तो ये सब यहाँ पर जातिवाचक न रह करके व्यक्तिवाचक बन चुका है। तो इस प्रकार से कई बार हम जातिवाचक शब्दों को व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। फिर आता है, देखो अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, ये ध्यान देना, किसी वस्तु प्राणी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले था कि संज्ञा क्या है, किसी वस्तु प्राणी स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। निश्चित वस्तु के
निश्चित वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक, मतलब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थ, सभी व्यक्ति, सभी प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान या भाव के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है आपका जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों, क्रिया और अव्ययों से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा, और जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति या संपूर्ण समूह का बोध हो उसे क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। तो ये थी आपकी संज्ञा। अब आइए आप इसके अभ्यास कार्य में, छोटा सा अभ्यास कार्य है इसलिए आपको अभी मैं इसी में करवा देती हूँ। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के तीन भेद हैं, मूल रूप से संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संज्ञा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा लिखोगे कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, रहीम और दिल्ली, हरिद्वार, कुछ भी लिख सकते हो इसका एग्जांपल। फिर जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष जाति, वर्ग या जाति के सभी पदार्थ, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लिखोगे कक्षा, विद्यालय, मीच, कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के। ऐसे भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के गुण दोषों का पता चलता है, गुण दोष या स्थिति का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण जैसे मिठास, खटास, लड़ाई, चढ़ाई, इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। फिर है आपका इसमें आपको जो लिखित वाला पोर्शन है वो आपको नोटबुक में करना है। वैसे मैं आपको इसमें बाद में आपको पीडीएफ के माध्यम से भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर दे दूंगी। संज्ञा के भेद लिखकर प्रत्येक के दो दो उदाहरण, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक से इनके लेसन मैंने समझा दिया है, आंसर मैं अभी बता रही हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में बुक के माध्यम से भी आप अपने क्वेश्चन आंसरों को कर सकते हैं। संज्ञा के भेद लिखकर प्रत्येक के दो दो उदाहरण, तो संज्ञा के तीनों भेद लिखना है और उनके दो दो एग्जाम्पल देने हैं जो भी आपने अभी पढ़ा है। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कैसे बन जाती है। अभी मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक जब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कैसे बन जाती, यहाँ पर बताया था जब कोई व्यक्ति वाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उस जाति के गुण दोष वाले संपूर्ण व्यक्तियों का बोध कराती है तो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक कैसे बन जाती है, तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा आंसर कि क्या जब कोई व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, बापू ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर है आपका भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो भाववाचक संज्ञा आपके पांच प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, फिर दूसरा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है, फिर तीसरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा, चौथा क्रिया से भाववाचक संज्ञा और पांचवा अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो
इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। भाववाचक संज्ञा पांच प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। तो आपका ये आंसर यहाँ पे, सारे आंसर आपके बुक में ही हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके दो दो उदाहरण बुक से लिख सकते हो आराम। जो लिखित वाला पोर्शन है, लिखित क्वेश्चन है, ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। फिर है आपका निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। मित्र से मित्रता, ये आप बुक में ही फिल कर लेना, और जो लिखित क्वेश्चन है वो आप नोटबुक में करना। मित्र से मित्रता, नारी से नारीत्व, लड़का लड़कपन, व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रभु प्रभुत्व, चीखना चीख, गरीब गरीबी, चढ़ना चढ़ाई, हारना हार, बैठना बैठा। तो इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर है वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं रेखांकित कीजिए। वाराणसी भारत की बहुत प्रसिद्ध नगरी है। देखो, वाराणसी भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है और भारत भी एक देश का नाम है, तो दोनों को अंडरलाइन कर सकते हो। गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। तो गंगा तट क्या, एक नदी का नाम है, तो यहाँ पर आप गंगा को अंडरलाइन कर सकते हो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महर्षि सुश्रुत इस पाठशाला के आचार्य थे। महर्षि सुश्रुत क्या है, व्यक्तिवाचक है। उनके पिता का नाम विश्वामित्र था, तो यहाँ विश्वामित्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यों में भाववाचक संज्ञाएं रेखांकित कीजिए। अभी आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा रेखांकित की थी, आप क्या करोगे, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अधिकार क्या है, भाव। मेरे मित्र की यही खास गलती है, तो खास गलती दोनों को कर सकते हो अंडरलाइन, खास को भी, गलती पूरा अंडरलाइन करो। गलती यहाँ पे केवल खास हुआ है, लेकिन आप गलती को भी अंडरलाइन करोगे। रमेश मानवता का पुजारी है, मानवता। दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है, तो यहाँ पे ये क्या है, हारता, भाववाचक संज्ञा। अब है बहुविकल्पी है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखो, निम्नलिखित में कौन सा सब जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखो, जाति, प्रेमचंद, चाल, दुकान, तो यहाँ पे प्रेमचंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, शहर, पुरुष, चंडीगढ़, मिठास, तो यहाँ पे भाववाचक क्या है, मिठास। युवा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द यौवन। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है, नहीं है, क्या है, नहीं है, सेना। तो ये आपका चैप्टर था, इसको आप अच्छे से करिए। तो मैं अभी 2-3 चैप्टर जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं एक साथ आपको इनकी PDF नोटबुक में लिखने के लिए दे दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस लेसन को तैयार कीजिए। जब मैं PDF बनाऊँगी तो एक साथ आपको कार्य करने के लिए दे दूँगी। फ़िलहाल तो आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है ये पीरियोडिक में आपके आ जाए, तो आपको तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।